आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी, एक बेहद प्रतिष्ठित ग्रुप से। ग्रुप है आनंद महिंद्रा ग्रुप और कंपनी है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस डेवलपर्स। जैन साहब के चेहरे पे भी स्माइल आ जाएगी क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार रहा है, बड़ा पसंदीदा उनका स्टॉक है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। वैसे तो आप सब लोग जानते पहचानते, फिर भी छोटा सा परिचय दे दूं। 1994 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और महिंद्रा ग्रुप का जो भी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कारोबार है वो कंपनी करती है। गजब का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, इसके लिए 28 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा की जगह इनके पास है। देश में 6 से ज्यादा शहरों में आपके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं और 5000 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर इनके डेवलपमेंट के काम शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अरविंद सुब्रमण्यन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। और इस बार सर मैंने ना सुधार भी लिया है, पिछली बार मैंने आपको सुब्रमण्यम कह दिया था, इस बार मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रख के आपका सरनेम बिल्कुल सुब्रमण्यन सही है ना सर? बिल्कुल सही है आनंद जी, आपके शो पे आमंत्रित करने के लिए बिल्कुल सर, थैंक यू सर। वैसे तो आपको हम सब पहचानते, फिर भी हमारे नए दर्शकों के लिए बता दूं, क्योंकि आजकल सर है ना हर महीने 20-25 लाख नए डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, नए नए दर्शक आ रहे हैं, तो उन्हें भी जानना जरूरी है। हिंदुस्तान में पढ़ाई का जो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 डिग्री का, वो अरविंद सर ने लिया हुआ है। IIM अहमदाबाद से MBA और IIT मद्रास से BTech, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। दोनों करने के बाद आपने टाटा ग्रुप से अपनी करियर की शुरुआत की, महिंद्रा ग्रुप से भी आप जुड़े हैं, लंबा काम वहां पर किया है। 2018 में आपने महिंद्रा हैप्पीनेस के सीईओ के तौर पर आप वहां पर थे और 2020 जुलाई से आप इस कंपनी के MD और सीईओ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर अरविंद सर समय देने के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहता हूं, पिछली बार की परफॉर्मेंस भी आपकी बड़ी तगड़ी थी, कंपनी की लॉस से प्रॉफिट में आती हुई दिखी है, आपने काफी कुछ इन्वेस्टर्स के लिए अनाउंसमेंट भी किया। सबसे पहले तो इस बार ये जरा आउटलुक बताइए, जो हम देख रहे हैं सुन रहे हैं कि रियल एस्टेट में बड़ी तेजी है, डिमांड बड़ी स्ट्रांग आई है, लाइफ टाइम हाई पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, क्या ये ट्रेंड सही है और आप भी इस तरह का ट्रेंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं सर? बिल्कुल सही है, हम देख रहे हैं हमारी पूरी पोर्टफोलियो में 30 लाख के घर यहाँ से लेके 3-3.5 करोड़ तक पूरे स्पेक्ट्रम में हम डिमांड की तेजी देख रहे हैं। इंक्वायरीज ज्यादा है, बुकिंग्स तेजी से हो रही है और रजिस्ट्रेशन भी हो रही है, और ये एक या दो ज्योग्राफिक मार्केट की ऑब्जर्वेशन नहीं है, हर सिटी में ऐसे हम देख रहे हैं। ओके, तो अक्रॉस मार्केट है। अच्छा सर, डिमांड के साथ एक जो समस्या आमतौर पर अरबी आ रही, कल मुंबई में भी आपने सुना होगा कि कई सारे डेवलपर्स हैं जो सरकार को कह रहे हैं भाई कि आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट जिस तरह से तेजी से बढ़ गई है, हमें प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए, कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, तो ये कॉस्ट प्रेशर आप पर भी है तो फिर इसका उपाय क्या है? आप पास ऑन करने की मतलब कंडीशन में है या मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? तो पिछले एक साल में आप देखेंगे तो स्टील, सीमेंट, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स सब की भाव लगभग 50% से 100% तक बढ़ी है। तो इसमें हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उस पर 10-12% की इम्पैक्ट हुई है, और मार्जिन के हिसाब से देखेंगे तो 300-400 बेसिस पॉइंट की मार्जिन की इम्पैक्ट आती है उसमें। जो प्रोजेक्ट्स हमने, जो हमारी मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स थी कि एक साल पहले लॉन्च हुई है, 80% इन्वेंट्री बिक गई है, उसमें तो प्राइसिंग की ज्यादा गुंजाइश नहीं है रिकवर करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 10-20% इन्वेंट्री बाकी है बेचने के लिए। जो हम नए लॉन्च कर रहे हैं उसमें हमने प्राइसिंग की करेक्शन डेफिनेटली की है, क्योंकि उसके बगैर तो ये धंधा में मतलब कोई मतलब नहीं रहेगा, अगर घाटे में तो करेंगे नहीं बिजनेस। और कस्टमर्स भी समझ रहे हैं कि अभी इतनी हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट चल रही है तो प्राइसेस में कुछ तो इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक बड़ा असर पड़ रहा है कि क्योंकि भाव बढ़ाने भी पड़ रहे हैं लेकिन साथ में रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है। अभी अभी सर आपने जो ये 9 एकड़ की जमीन खरीदी है महिंद्रा ग्रुप से ही कांदीवली में मुंबई में, यहां पर क्या प्लान है, किस तरह के डेवलपमेंट्स आएंगे यहां पर और कब तक आएंगे सर? ये एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है कांदीवली मार्केट, बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट है। यहाँ पे पहले भी हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च की थी 3-4 साल पहले महिंद्रा रूट्स के नाम से, और वो प्रोजेक्ट लगभग 100% बिक चुकी है। इस कैलेंडर ईयर में हम उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं और डिलीवरी करना चाह रहे हैं, तो ये काफी अच्छी टाइमिंग है कि ये 9 एकड़ की जमीन इस टाइम पे आ रही है कि जबकि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रही है।
और इस 9 एकड़ जमीन पे हम एक गुड क्वालिटी रेजिडेंशियल मिड मार्केट वाली प्रोडक्ट लेके आएंगे। वहाँ पे थोड़ी कन्वीनियंस रिटेल भी रहेगी और उम्मीद करते हैं कि इसकी डिमांड और इसकी जो रिसेप्शन होगी मार्केट में वो बहुत ही अच्छी होगी। जी अरविंद सर, पहले तो हमारा धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपने मेरी और मेरे साथ जो मेरे एंकर हैं दीप, हम दोनों की बहुत इज्जत बढ़ा दी आपने। क्योंकि आपने जब ये कहा कि ये जो कांदिवली में आपने जमीन खरीदी, बहुत ही प्राइम लोकेशन है, मैं और दीप दोनों उससे आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहते, तो हमें अचानक से फील होने लगा हम बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं। नहीं तो हमें लगता था सबब में रहते, कांदिवली से आने जाने में इतना ट्रैफिक होता है, लेकिन आपने कहा तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। दीप आपको भी हो रहा है ना फील ये? बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है। नहीं और इनफैक्ट सर, जो लैंड प्लॉट की बात सर कर रहे हैं, वो मेरी बिल्डिंग के साइड वाले ही लैंड प्लॉट है जो इन्होंने खरीदा है। तो जब हम लॉन्च करेंगे वाह आपको क्या बात आमंत्रित करेंगे, आप बिल्कुल आइए और इनॉग्रेट कीजिए हमारी लॉन्च। अरे सर प्लीज, बिल्कुल ये हमारा सौभाग्य है सर, आप बुलाएंगे जरूर, हम हाजिर होंगे सर। अच्छा एक चीज और, मेरे साथ में हमारे बंसल जी भी बैठे हैं, हमारे एनलिस्ट हैं सर, वो पूछना चाह रहे हैं कि वो भी आपकी कंपनी को बड़ी अच्छे से ट्रैक करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि भाई प्योर रियल एस्टेट कंपनी है आपकी या महिंद्रा लाइफ स्पेस में और भी दूसरे बिजनेसेस हैं? तो हमारी प्योर रियल एस्टेट कंपनी है, लेकिन दो किस्म की बिजनेस है। एक रेजिडेंशियल बिजनेस जो हम B2C बिजनेस टू कंज्यूमर वाली बिजनेस मानते हैं, और एक B2B बिजनेस है जो हम इंडस्ट्रियल पार्क चलाते हैं महिंद्रा वर्ल्ड सिटी और ओरिजिन के नाम से। 3 सिटी में हमारी इंडस्ट्रियल पार्क है, चेन्नई में है, अहमदाबाद में है और जयपुर में है। तो ये हमारी दो बिजनेस है। ओके तो ये आपके दोनों अलग अलग तरह के बिजनेस बंसल जी, क्लियर बिल्कुल है? चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। वैसे तो पिछले कई सालों से आपके इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे थे कि कंपनी की परफॉर्मेंस आए, आपने पिछले मुलाकात में बताया भी था कि आपका अकाउंटिंग करने का तरीका वो है कि जब पूरा रेवेन्यू आ जाए उसके बाद ही आप अकाउंट करते हैं, लेकिन आपने 1/2 शेयर बोनस भी दिए पिछले साल, थोड़े शेयर होल्डर्स खुश हुए। अब ये बताएं सर, अगला फाइनेंशियल ईयर किस तरह की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपकी कंपनी की आ सकती है, मार्च 2023 वाली? तो मैं 1 साल की प्रोजेक्शन करने में थोड़ा हिचकिचाता हूँ। 3-4 साल आगे हम देखेंगे तो जो मैंने टारगेट रखा है हमारे सामने, मेरे सामने और मेरी टीम के सामने, वो ये है कि 2025 तक हम 2,500 करोड़ की रेजिडेंशियल सेल्स करेंगे और 500 करोड़ की इंडस्ट्रियल पार्क में लीजिंग करेंगे। वो बहुत ही टैंजिबल टारगेट है, 2025 तक हमें वहां पे पहुंचना है। तो अगर आप देखेंगे पिछले साल हम लगभग 670 करोड़ पे थे रेजिडेंशियल सेल्स में और 100 करोड़ के लगभग थे इंडस्ट्रियल लीजिंग में। तो वो जर्नी हमें तय करनी है अगले 3 साल में और हर साल में वो प्रोग्रेस दिखाना है हमें। तो ये आपके लिए अगले 3 से 4 साल का आउटलुक महिंद्रा लाइफ स्पेसेस को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर हमारे लिए समय देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो बढ़िया डिमांड में मजबूती है, जो अच्छी तेजी रियल एस्टेट सेक्टर में बन रही है वो बनी रहे, और जो रॉ मटेरियल कॉस्ट का जो बड़ा प्रेशर है सब पर है, आप पर भी है, वो थोड़ा धीमे धीमे ठीक हो जाए युद्ध खत्म होने के बाद, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिल जी, आपके मुंह में घी शक्कर। अरे सर थैंक यू सर, बस ऐसा हो गया तो पक्का मैं आपके इनोग्रेशन पर आकर मिठाई जरूर खाऊंगा सर। थैंक यू सर, आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।